हेलो एवरीवन, अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 10B। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चन आने के अच्छे चांस रहते हैं। तो आप लगभग जितने क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए और उसके अलावा भी जो क्वेश्चन हैं आपकी पुस्तक में उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। हमको इस एक्सपेंशन की सिक्स्थ टर्म बतानी है जिसके अंदर टोटल 11 टर्म है। देख लो, 10 पावर है तो 11 टर्म है। तो क्या हम पूरा एक्सपेंशन लिखें और फिर बताएं कि स्टार्टिंग से गिन के कि देखिए ये सिक्स टर्म है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमको डायरेक्ट सिक्स टर्म लेनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज। जनरल टर्म आपको दो इसके पिछले वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की थी। तो जनरल टर्म यदि नेगेटिव है तो TR+1 -1 टू द पावर आर NCR, एक्स टू द पावर N-R, ए टू द पावर आर। सिक्स्थ टर्म चाहिए आपको, मतलब आपको यहाँ सिक्स चाहिए, तो R+1 की वैल्यू 6 होगी, N की वैल्यू 10 होगी, X की वैल्यू X³ होगी और A की वैल्यू 1/X² होगी। ओके, देखते हैं, ये रखिए, हमने देखिए सारी वैल्यू, X की वैल्यू X³, A की वैल्यू 1/X², N की वैल्यू 10 और R+1 की वैल्यू 6, तो R की वैल्यू कितनी आएगी? 5। हमने इस एक्सपेंशन में वैल्यू रखी, देखिए 5+1 -1 टू द पावर 5 10C5, X³ की पावर 10 -5, 1/X² की पावर 5। तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये 10 कहाँ तक खुलेगा? 5 तक, मतलब पांच नंबर जाएंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। X³ की पावर 5, 1/X की पावर 10। सब कट कर दिया हमने, थोड़ी सी गलती हुई मुझसे यहाँ पर, शायद मल्टीप्लाई में। यहाँ देखिए ये बनेगा सब कट करने के बाद -252, ये 15 में से 10 पावर जाएगी, तो X^15। दिस इज द सिक्स्थ टर्म ऑफ द गिवन एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन की सिक्स्थ टर्म, डायरेक्ट सिक्स्थ टर्म हमने निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने सिक्स्थ टर्म निकाली, हमको क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन। दिस इस एक्सपेंशन की एंड से फिफ्थ टर्म निकाल ली। ओके, तो पावर 9 की टोटल टर्म कितनी हो गई? 10। देखिए टोटल टर्म 10 हो गई। ओके, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड कितना बनेगा? 9 -5+2। आप जो 9 जो नंबर ऑफ टर्म दे रखी है, वो जो टर्म निकाल लिए एंड से वो, और प्लस 2 कर दीजिए, मतलब सिक्स्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगी। वो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो टर्म जो पावर दे रखी है 9, वो ये 9 लिखा है यहाँ पे। आपको यदि 8 दिख रहा है तो मैं से कट करके वापस 9 लिख देता हूँ। ये 9 फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, मान लीजिए फोर्थ टर्म एंड फ्रॉम एंड होती है तो यहाँ 4 माइनस करते, तो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग। और अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसे हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी? X³/2, ए की वैल्यू 2/X², एन की वैल्यू 9 और R+1 की वैल्यू 6, मतलब R की वैल्यू 5। हमने सॉल्व करा, अब वहाँ 10 था या 9 है, तो 9C5। और एक चीज़ आपको बता दूँ, -1 की पावर यदि ऑड है तो वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, और -1 की पावर इवन है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और ये इवन और ऑड, ये प्लस माइनस, ये माइनस डिसाइड करेगा। मान लीजिए यहाँ प्लस है तो ये टर्म यहाँ पर नहीं आएगी। 9C5 X³/2 की पावर 9 -4, 2/X² की पावर 5। तो देखिए इस तरह से टर्म बनेगी, ये नेगेटिव 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, इसको कट कर देंगे हम, यहाँ पर पावर आ जाएगी 9 -5, 4 और 2/X² की पावर 5। तो ये जो टर्म बनेगी, ये बनेगी 9, 7, 2 मल्टीप्लाई में 3 एक्स की पावर 12, 2 4 टाइम्स, 2 की पावर 5 / X की पावर 10। तो ये सारी टर्म कैंसिल हो गई, एक 2 ये बचा, एक 2 ये, 7 और 9 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 252, 12 पावर में से 10 पावर माइनस होगी, तो X^2 आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। मिडिल टर्म 3X - X³/6 की पावर 9, इसकी मिडिल टर्म निकालनी है। अब 10th क्लास का मीडियन आपको ध्यान होगा, उसका उल्टा काम होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ ऑड होता है तो N+1/2 टर्म बनती है मिडिल टर्म, और इवन होता है तो N/2+1 टर्म प्लस N/2 टर्म का वो हाफ करते हैं अपन। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, हमको जनरल
जनरल टर्म इज, जनरल टर्म तो ये बन गई, नो प्रॉब्लम, जनरल टर्म हमारी ये बन गई। अब हमको मिडिल टर्म निकालनी है। हमने ए एक्स ए और एन की वैल्यू ले ली और एन क्या है हमारे पास ऑड है, तो हमारी मिडिल टर्म क्या बनेगी, हमारी मिडिल टर्म एक बनेगी एन प्लस वन अपॉन टू टर्म, दैट इज फिफ्थ टर्म, और एक हमारी मिडिल टर्म क्या बनेगी एन प्लस थ्री अपॉन टू टर्म, मतलब n प्लस थ्री मतलब 9 प्लस थ्री 12 अपॉन टू सिक्स टर्म भी बनेगी। उसको जब आएगी तब मैं एक्सप्लेन करूँगा, पहले अपन इसको समझते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इसकी दो मिडिल टर्म क्यों बन रही हैं, मैं आपको बताता हूँ। x की पावर कितनी है यहाँ पर 9, यदि मान लीजिए अपन टोटल टर्म देखें तो 10 टर्म बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इधर से 4 और इधर से 4, और देखिए ये दो मिडिल टर्म बन रही है। लेकिन यदि ये इवन पावर होती, मान लीजिए यहाँ 10 पावर होती, तो टोटल कितनी टर्म बनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो देखिए इधर से 5 छोड़ दीजिए, इधर से 5 छोड़ दीजिए, मिडिल टर्म बन गई। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा करना नहीं है आपको, आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि मिडिल टर्म इवन में बन जाएगी, ऑड में नहीं बनेगी, इसलिए ऑड में दो मिडिल टर्म बनेगी। तो यहाँ पहली मिडिल टर्म कितनी बनी, फिफ्थ टर्म। तो पहले इससे क्वेश्चन देखें, r प्लस वन की वैल्यू 5, r की वैल्यू 4, यहाँ प्लेस कर दीजिए, आपने सारी वैल्यूज प्लेस कर दी, देखिए इस तरह से r 4 प्लस वन माइनस वन की पावर 4, 9c4, 3x की पावर 9 माइनस 4, x की अपॉन 6 की पावर 4, और अपन ने इसको सॉल्व करा तो ये पॉजिटिव हो गया, देखिए क्योंकि ये माइनस वन की पावर इवन है, पॉजिटिव हो गया। 9 8 7 6 4 3 2 1, 3 की पावर 5 तीन बार 5, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 12, 6 की पावर 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो 189 अपॉन 8, एक्स की पावर 17, ये क्या बनेगी इसकी फिफ्थ टर्म। अभी ये एक मिडिल टर्म बनी, अब दूसरी टर्म देखते हैं। अगेन मिडिल टर्म इज n प्लस 3 अपॉन 2, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, तो 9 प्लस 3 2, 6 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 बोले तो सिक्स टर्म, मतलब ये जो r प्लस 1 कहाँ चला, ये रहा r प्लस 1 5 था, अब r प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, ये रहा, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब हम इसी एक्सपेंशन में, इस एक्सपेंशन में यहाँ पर r के प्लेस पे 5 रखेंगे, बाकी सारी टर्म एज इट इज आएगी, देखना ये इस तरह से बनेगा। टी 5 प्लस 1 माइनस 1 टू दी पावर 5, 9c5, 3x की पावर 9 माइनस 5, x की अपॉन 6 की पावर 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से टर्म बनेंगी, 5 है 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1, 3 की पावर 4 मतलब 3 को 3 बार लिखिए, x की पावर 4, x की पावर 15, 6 की पावर 5 मतलब 6 टाइम्स 5 डिनोमीटर में आ जाए। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो माइनस 21 अपॉन 16 x की पावर 19, ये हमारी दो मिडिल टर्म बनेंगी, एक फिफ्थ टर्म और एक सिक्स्थ टर्म। अब देखिए हम एक इवन पावर की मिडिल टर्म देखते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 3x, x अपॉन 3 प्लस 9y की पावर 10, x की वैल्यू, a की वैल्यू, n की वैल्यू मिल गई आपको। अब देखिए मिडिल टर्म, जनरल टर्म एक्सपेंशन क्या बनेगा ये भी लिख दिया हमने, ये जनरल टर्म बनेगी। अब हम आते हैं मिडिल टर्म के ऊपर, n इवन है तो मिडिल टर्म कितनी बनेगी, n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म, n के प्लेस पे कितना है 10, आपने वैल्यू रखी, सिक्स्थ टर्म जो है वो इसकी मिडिल टर्म बनेगी। मैंने n अपॉन 2 प्लस 1 बोला है, n प्लस 1 अपॉन 2 नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा, सिक्स्थ टर्म बनी। अब हम इस जनरल टर्म में r के प्लेस पे 6, n के प्लेस पे 10, x के प्लेस पे x अपॉन 3, a के प्लेस पे 9y प्लेस करेंगे कुछ इस तरह से, देखिए ये रहा हूँ, तो 10c5, x की पावर 5, 3 की पावर 5, 9 की पावर 5, 9 5 टाइम्स और y टू दी पावर 5। देखिए जितने भी तीन से सारे तीन कैंसिल हो गए, एक तीन से यहाँ कैंसिल हो गया, जब हमने पूरा कैंसिल करा तो हमारा ये आंसर बना। तो मिडिल टर्म सिक्स्थ टर्म होगी इस एक्सपेंशन की, और उसकी वैल्यू होगी 6 1 2 3 6, x की पावर 5 और y की पावर 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।